हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल और प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम नया सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले उसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम तो जितने भी इसके अंदर सिलेबस हैं गेट ईएस के, वो सारे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमारा जो ओपन लूप सिस्टम, ठीक है, या क्लोज लूप सिस्टम, ये दोनों चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। ओपन लूप के सिस्टम के लिए है और क्लोज लूप सिस्टम है, और इसके बीच में डिफरेंस, ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ओपन लूप इस तरीके शॉर्टकट लिखते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक में हम ट्रांसफर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है, पोल जीरो ट्रांसफर फंक्शन है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर फंक्शन की है, मेथड एनालिसिस है, डीसी गेन ओपन लूप के लिए है, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसफर फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या है, वही ओपन लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना, उसका फंडामेंटल, ये सारी, ठीक है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम में है। फोर्थ नंबर पे है हमारा है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में वही टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है और कैसे कंस्ट्रक्शन होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ का, वो सारी डिस्कस करना है। फिर उसमें क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में गेट ईएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक हमारा है फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है, नॉन फीडबैक सिस्टम के लिए है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन, ठीक है, इफेक्ट और स्टेबिलिटी, ठीक है, फीडबैक के थ्रू स्टेबिलिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, सेंसिटिविटी पे, ओवरऑल गेन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, ठीक है। सिक्स नंबर जो हमारा है मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम में क्या है, मैकेनिकल सिस्टम जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एनालॉगस सिस्टम है, ठीक है, इन सब की मॉडलिंग करेंगे और आपस में रिलेशन भी देखेंगे सब में मॉडलिंग में, जैसे कि फोर्स, ठीक है, वोल्टेज, करंट, एनालॉगी, इन सब में क्या क्या आपस में रिलेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम कंपेयर भी करेंगे इसमें मॉडलिंग में, ओके। ये हमारा हो गया सिक्स नंबर टॉपिक, ओके। सेवन नंबर है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है,
इसमें भी वही है, ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट रिस्पांस के बारे में डिस्कस होगा, स्टडी स्टेट एरर के बारे में जो कि सिग्नल फ्लो ग्राफ है, और ये वाला जो हमारा है जिसमें स्टडी स्टेट एरर है, ठीक है, डायनामिक एरर है, कोफिशियंट है, उनमें रिलेशनशिप है, डायनेमिक एरर स्टैटिक एरर में रिलेशनशिप है, ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस है, तो ये टाइम डोमेन एनालिसिस में ये हमारा होगा। इसमें ग्रेड ईयर्स में हर साल ये टॉपिक ये होता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे कुछ हैं। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो सिग्नल फ्लो ग्राफ से होती है, ठीक है, एरर कॉन्स्ट इससे होती है, ओके। और नॉर्मल छोटे जो हल्के फुल्के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे ये वाले फीडबैक करेक्टरिस्टिक होती है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, राउट हर्बर्ट्स क्राइटेरियन ये डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राउट हर्बर्ट्स क्राइटेरियन, इस पर भी क्वेश्चंस एक आते ही हैं हर साल, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ही इसमें स्टेबिलिटी एनालिसिस में एक ही है, राउट हर्बर्ट्स क्राइटेरियन है, ओके। 9th नंबर है टॉपिक रूट लोकस टेक्निक, द रूट लोकस टेक्निक, रूट लोकस, ठीक है, तो रूट लोकस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से रूट लोकस बनाते हैं, ओके, एंगल मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या क्या है वो हम सीखेंगे, उसके थ्रू क्वेश्चन कैसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है रूट लोकस का, ठीक है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन के बारे में, और अगर हम जीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर पोल ऐड करते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें, ओके। 10th नंबर टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, ठीक है, ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन, अभी इसमें भी गेन मार्जिन फेज मार्जिन था, इस वाले में भी, रूट लोकस में भी, इसमें भी हमारा गेन मार्जिन फेज मार्जिन के बारे में है। एक तो रूट लोकस के लिए गेन मार्जिन फेज मार्जिन अलग है, इसके लिए हमारा गेन मार्जिन फेज मार्जिन वो डिफरेंट है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि निक्विस्ट प्लॉट है, ठीक है, और बोडे प्लॉट है, ये सारी चीज़ें हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं, ओके। तो ये निक्विस्ट प्लॉट और बोडे प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है गेट ये दोनों के लिए, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूट लोकस और ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, ठीक है। अब उसके बाद 10th हो गया, 11th जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर, ठीक है। इसमें भी क्या है कि किस किस टाइप के कंट्रोलर पढ़ने हैं, लैग कंपेंसेटर है, ठीक है, लीड कंपेंसेटर है, लैग लीड है, ठीक है। उसके बाद हमारा है कंट्रोलर में प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, इंटीग्रल कंट्रोलर है, डेरिवेटिव है कंट्रोलर, ठीक है, फिर इसका मिक्स है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होगी 11th टॉपिक में। 12th हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस है, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है। तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे,
जिसमें कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि देखते ही डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में। तो इसमें जो टॉपिक डिस्कस करना है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखना है, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन देखना है, कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी, ये जो कंट्रोलेबिलिटी है इसी के अंदर है टॉपिक कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। तो इस पे कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी पे एक ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से आपके कोई क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से गेट ये किसी या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या कहीं पे भी एग्जाम में आते हैं, तो कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी पे डायरेक्टली क्वेश्चंस हो जाते हैं। मतलब उनको एक तो होता है एक नॉर्मल मेथड जिससे सॉल्व करके लेंथी होता है, टाइम टेकन होता है। यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे उसमें आप देखते ही उसको बता देंगे ये कंट्रोलेबल है या कंट्रोलेबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, ये आप आसानी से तुरंत देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 12 टॉपिक है, इसको चाहे 12 चैप्टर बोल सकते हैं या 12 टॉपिक बोल सकते हैं। टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक आते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर टॉपिक है, ट्रांसफर फंक्शन के अंदर टॉपिक है, इसी तरीके सबके अंदर इसके हिसाब से टॉपिक है, जितने वो है उसके हिसाब से यहाँ पे टॉपिक है। किसी में 10 टॉपिक हैं एक के अंदर, किसी में 12 टॉपिक हैं, किसी में 14 टॉपिक हैं, इस तरीके से हैं। तो सारी कुछ हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। अभी हम जो डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्कस करेंगे, ये हमारा कंट्रोल लूप ओपन के लिए और क्लोज लूप के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस किस तरीके से इफेक्ट करती है वो सारी चीज़ें हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।